खाजूवाला से बड़ी खबर है। दलित युवती से गैंगरेप और हत्या के मामले में आज फिर से धरने पर बैठे हैं परिजन और कुछ भाजपाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या भाजपा के नेता भी एक राय नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कल बीजेपी जिलाध्यक्ष जालम सिंह भाटी सहित कई नेताओं की मौजूदगी में समझौता हुआ था। अब भाजपा नेता रविशेखर मेघवाल ने कहा कि थाने को लाइन हासिल कर दिया जाए। परिजनों की भी तो यही मांग है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। इधर एसपी तेजस्विनी गौतम ने एक्शन लिया है। देर रात 3 साल से ज्यादा समय से सर्किल में तैनात पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया, तो इस मामले में ही उन पुलिसकर्मियों को देखा गया जो 3 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर तैनात थे। फीडबैक लिया गया और पूरी जानकारी के लेने के बाद एसपी ने उन 7 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीकानेर से लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मण, जहां एक तरफ एक्शन लिया जा रहा है, वहां दूसरी तरफ परिजन धरने पर फिर बैठ गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो भाजपाई बैठे हैं उनमें भी 2 गुट बन गए हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा ही कुछ लग रहा है। पूरे मामले में भाजपा 2 फाड़ में बटी हुई नजर आ रही है। कल जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटी के साथ साथ जो है पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और यहाँ तक की भाजपा नेता रविशेखर मेघवाल भी थे। हालांकि रविशेखर का कहना यह है कि उन्होंने कल भी ये बात बड़े जोर शोर से रखी थी, लेकिन समझौता हुआ, 25 लाख की आर्थिक सहायता की बात हुई और पोस्टमार्टम करवाया गया। अब जो है नया अपडेट आ रहा है कि भाजपा के जो कुछ नेता है वो नहीं चाहते कि इस तरह से हो, न्याय मिले, ये बात चल रहे हैं। और परिजनों का भी एक बाइट जो है मुहैया करवाई गई है भाजपा नेताओं द्वारा, ये कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। लेकिन एक बात और है, दूसरी तरफ जो है दूसरे नेता है उनकी उनका जो रवैया, उनका कहना यह है कि जिस लेवल पर बात हुई है, उत्तर प्रशासन ने जो पूरी मामलों में हमें ये कह दिया है कि कुछ हो रहा है, तो फिर इस तरह से क्यों? तो अब लगता है भाजपा करीब बन गए हैं। और देखिए, एक ऐसा मसला जिसमें दलित बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है उसको लेकर भी कई तरह की बातें हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है इस पूरे मसले में भाजपा फाड़ है, लेकिन अब चूंकि मामला, लेकिन ये जो राजनीति हो रही है लक्ष्मण, ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, ना ही बीजेपी के लिए। आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें भी एक गलत संदेश समाज में जा रहा है। शुरुआत बहुत अच्छी थी कि विपक्ष साथ खड़ा हुआ है पीड़ित परिवार के, लेकिन अब जो राजनीति है वो सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ से जो अब मांग है कि थाने को लाइन हाजिर कर दिया जाए, कोई रिएक्शन इसकी तरफ से प्रशासन की तरफ से आया है? पूनम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब सियासत हो रही है जो अनुचित है, पीड़ित के साथ खड़ा हुआ भाजपा, ये की बात थी। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में लाइन हाजिर की जहां बात है, 7 लोगों को पहले ही एसपी तेजस्वी गौतम ने देर रात ही आदेश जारी कर दिए उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो 3 साल से यहाँ तैनात थे, उनको अन्यत्र भेज रहा है। मुझे लगता है कि अब जब समझौता हुआ, टेबल टॉक हुई, कार दौर की वार्ता हुई और भाजपा के जो स्थानीय बड़े नेता थे वो शामिल रहे, तो ये मुझे लगता है ये अलग कहीं सियासत करने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, पीड़ित को न्याय मिले, सबकी जो है कोशिश यही रहनी चाहिए। और फसलिया न्यूज भी लगातार पूरे मामले में आवाज बना रहा, फसलिया न्यूज भी यही चाहता है कि पूरे मामले में न्याय हो। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी बहुत देर में जो है मुझे लगता है सार्वजनिक हो जाए, स्पष्ट तौर पर सामने आएगी। बिल्कुल लक्ष्मण, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब देखा जाए तो अब ये पूरा मामला क्या मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो यहीं पर जाकर मामला खत्म होता है जब आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई का ठोस आश्वासन दे दिया जाता है या फिर समझाइश के जरिए समझौता हो जाता है। अब ये क्या मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है पूरा मामला? लक्ष्मण, संपर्क जो है वो टूट गया है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। आपसे एक बार फिर से इस पूरी खबर पर एक बार फिर से अपडेट लेंगे, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज फिर से धरने पर बैठे हैं परिजन और कुछ भाजपाई, लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि फर्स्ट इंडिया भी ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है भाजपाई है उनकी एक राय नहीं बन रही क्या, क्योंकि कल जो देर रात जानकारी थी कि समझाइश हुई है, टेबल टॉक हुई है, समझौता हो गया है, वहीं दूसरी तरफ अब जानकारी मिल रही है कि फिर से परिजन और कुछ भाजपाई नेता धरने पर बैठ गए हैं, थाने को लाइन हाजिर करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई कर रहा है। इधर एसपी तेजस्वी गौतम ने भी एक्शन लिया, 7 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है और लगातार वो ठोस कार्रवाई के जरिए एक्शन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जल्द से ज्यादा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये धरने से जुड़े भी पूरे मामले में ये अपडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप नजर टिकी है पोस्टमार्टम पर और दोपहर तक ये धरना आगे क्या मोड़ लेता हुआ नजर आएगा, क्या रिएक्शन जो है परिजनों से निकल कर आता है,
ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में